ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्वती, जब से मैं यहां आया हूं, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे मां बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूं तो मां बाप के जज्बात को धक्का पहुंचता है और ये मैं कभी सोच नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ तर्क कर मेरे यहां चली आई। इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं पारे, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे दुख भी है तो यही कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कष्ट उठाओगी। कोशिश करके तुम मुझे भूल जाना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हो। माधव जी, ये चिट्ठी तो डाला जरा। बहुत अच्छा जी। ये तुमने क्या किया देवदास? क्यों क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो बचपन की साथी तुम्हारी अपने मान अपनी लज्जा को छोड़कर तुम्हारे पैरों में जगह मांगने चली आई, और तुम उसे कुछ कह सुने बाहर यहां भाग कर चले आए। मैं झूठ मेरे पिता नहीं चाहती, मेरी मां नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने? कैसे लिख दिया कि तुम उसे नहीं चाहते? कोई रास्ता भी तो नहीं था। मगर तुम तो जानते हो कि बारू कितनी अभिमानी, कितनी हटेली लड़की। सोचा भी है तुम्हारी चिट्ठी पाकर उसका क्या हाल होगा? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? माधव, पुस्तक में छोड़ कर आया। अरे देवदास, जाना नहीं है। जाने का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूं। ये सारा घरबार अपने साथ ले चलोगे? और किस पर छोड़ के जाऊंगा? अरे भले आदमी, हमारा भी तो सारा सामान यही पड़ा रहता, हम किस पर छोड़ जाते? चुनी बाबू, अब मैं यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। हम जिसके नाज उठाते हैं, इतना भी हमारा कर न सके, वो बिस्तर हमारा रख न सके, थोड़ा सा किराया भर न सके, आज तो ऐसे ही चले चलो। कल अगर समझ में आए तो बिस्तर भी अपने साथ ले चलना। चुनी बाबू, मैं घर जा रहा हूँ। घर? फिर लौटोगे कल? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आने से मुझे अपना सब कुछ खो देना पड़ेगा, मैं इस तरह लूट जाऊंगा तो मैं यहाँ कभी ना आता। अरे भाई, मगर तुमने कहा क्या खो दिया? फिर कभी मिले तो बताऊंगा। हाँ, ये रुपए लो, जिसका जो मेरे जिम्मे हो वो चुका देना और बाकी सब नौकरों में बांट देना। ये ले जाओ अंदर, किशन में आता हूँ। अच्छा अच्छा, किसकी चिट्ठी है? पार्वती देवी की चिट्ठी थी, उन्हें दे दी। ओ,
ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। माँ माँ, मानकपुर से पार्वती के सुसान वाले आशीर्वाद देने आए। पारो, अरे ओ पारो। की बात तुझे याद नहीं क्या? हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है। जी माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी नहीं लिख दिया था, न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। चुप रहो, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। नो पार्वती, जैसे कैसे भी होगा मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा। तुम्हारे माता पिता है और मेरे नहीं है, उनके राजी होने या न होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना। बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? जैसे चंचल चितामी पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं, उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है। तुम रास्ता छोड़ दो। इतना अहंकार क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम में रूप है, कोई नहीं, मुझ में रूप है और कुल भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा, वो कैसे? उस रात मैं तुम्हारे घर अकेले गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी। सुनो भारती, ये रूप तुम्हारा ना रूप अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप छिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है, और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी विदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद से उखड़ा कर कभी आईने में देखो, शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूर्ख, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, पर तुम मुझे भूल जा पा रहा। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूं, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तुमने अच्छा ही किया बारे, शायद मेरे साथ रहता तुम कभी सुख नहीं पाते।
कुछ नहीं मां, घाट पर पैर फिसल गया, गिर पड़ी।